चिन्ना स्वामी के मैदान पर मैच हो और रनों की बारिश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आरसीबी और केकेआर के बीच में एक और हाई वोल्टेज मैच हमें देखने को मिला। अगर मैच की बात करें तो केकेआर ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और उनका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बनाए। जवाब में केकेआर जो चेस करने उतरी उसने 16.5 ओवर में ही इस रन को हासिल कर लिया और मैच को आसानी से जीत लिया। लगातार अपना दूसरा मुकाबला जीता है केकेआर ने, एक सक्सेसफुल चेस किया है और पिछले 7-8 मैचों से जो चली आ रही थी कि होम टीम ही मैच जीत रही है उस स्ट्रीक को भी थोड़ा है, तो एक ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। आरसीबी की बात करें तो रनों की बारिश तो हुई, लेकिन आरसीबी की तरफ से सिर्फ विराट कोहली के बल्ले से रनों की बारिश हुई, बाकी सभी बल्लेबाज एक बार फिर से खामोश नजर आए। अगर केकेआर की बात करें तो केकेआर की तरफ से जो भी बल्लेबाज आया वो अच्छा आया। आरसीबी की गेंदबाजों की बुरी हालत कर दी। शुरुआत की सुनील नारायण ने 47 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। आज ओपनिंग करने आए, पहले मैच में भी ओपनिंग करने आए थे लेकिन बल्ला चला नहीं था, आज चला बल्ला। आरसीबी के गेंदबाजों को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया और बहुत बुरा हाल किया। फिल सॉल्ट ने भी अच्छी पारी खेली, 30 रनों की, ज़्यादा लंबी नहीं खेली पर ठीक है, अच्छा खेला उन्होंने, अच्छा स्टार्ट दिया। इसके बाद आए वेंकटेश अय्यर ने 30 गेंदों में 50 रनों की बहुमूल्य पारी खेली, पारी को संभाला। उनका भी पहला मैच अच्छा नहीं किया था लेकिन इस मैच में उन्होंने भी आरसीबी के गेंदबाजों का बुरा हाल किया। और अंत में जो फिनिशिंग पारी थी वो थी कप्तान श्रेयस अय्यर की तरफ से। कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस मैच में बहुत ही अच्छी पारी खेली, 39 रनों की पारी खेली, टीम को मैच जिताया और अंत तक नॉट आउट गए। तो एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। आरसीबी को दूसरी हार मिली है, पिछला मैच जीत कर आए थे लेकिन इस मैच में फिर से हार मिली है, तो आरसीबी को कहीं ना कहीं आगे सोचना पड़ेगा अपनी टीम के बारे में, अपने टीम के स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरह से वो खेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। गेंदबाजी बहुत ख़राब हुई, यश दयाल को मार पड़ी, अल्जारी जोसेफ को मार पड़ी, कहीं ना कहीं आगे सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। विराट के अलावा और कोई बल्लेबाज नहीं चला, कैमरन ग्रीन को थोड़ा स्टार्ट मिला लेकिन उसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर पाया। अंत में आके कार्तिक ने थोड़ी बहुत ठीक पारी खेली लेकिन इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ये था आज का मैच का हाल, केकेआर ने जीता लगातार अपना दूसरा मुकाबला। और अब अगर कल के मुकाबले की बात करें तो कल LSG वर्सेस पंजाब किंग्स, एक और ज़बरदस्त भिड़ंत हमें देखने को मिलेगी लखनऊ के इकाना स्टेडियम से। लखनऊ अपना पिछला मैच हार कर आ रही है और पंजाब भी अपना पिछला मैच हार के आ रही है। पंजाब के 2 मुकाबले हो चुके, 1 में हार मिली, 1 में जीत, लेकिन लखनऊ का 1 ही मुकाबला हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन जीतता है। होम स्ट्रीक का एडवांटेज तो टूट ही चुका है, आज के मैच में ही टूटा। कल अब देखना है कि कल क्या लखनऊ सुपर जायंट्स एक बार फिर अपने घर में जीत हासिल कर पाती है या फिर पंजाब इस स्ट्रीक को टूटा हुआ ही रहने देती है और आगे बढ़ने नहीं देती है। अगर ऑरेंज और पर्पल कैप की बात करें तो आज के मैच में विराट कोहली ने 83 रनों की पारी खेली और इसी के साथ वो ऑरेंज कैप की लिस्ट में एक बार फिर से टॉप पर आ चुके हैं 181 रनों के साथ। दूसरे नंबर पे हेनरिक क्लासन है, वो 143 रन पे है और तीसरे नंबर पे रियान परागे 127 रनों के साथ। अभी भी ऑरेंज कैप की लिस्ट उतार चढ़ाव भरी रही है, कोई बल्लेबाज ऊपर आ रहा है, कोई बल्लेबाज नीचे जा रहा है। अगर पर्पल कैप की बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान अभी भी ऊपर टॉप पर मौजूद है 6 विकेट के साथ, हर्षित राणा 5 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं और आंद्रे रसल आज के मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की और इसी के चलते 4 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं। तो ये था आज का मैच रिव्यू। ऐसी तमाम क्रिकेट अपडेट्स के लिए खेल क्रिकेट के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।